भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। इंडिया में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की लग गई है नाउ, और 60,000 वर्कर्स को एम्प्लॉय के तौर पर इंडियंस रखे गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत में आईफोन की एक फैक्ट्री बन रही है और ये फैक्ट्री 60,000 भारतीयों को नौकरी देगी और ये भारत में आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। तो पाक मीडिया आज बात कर रहा है कैसे चीन से एप्पल आईफोन बनाने की फैक्ट्री भारत में ट्रांसफर कर रही है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया में भारत की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और वो चीन को कैसे पीछे छोड़ रहे हैं। और पाक मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत जैसी तरक्की नहीं कर रही और फ्यूचर में भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। आज ये पता चला है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की लग गई है नाउ इन डेज, और 60,000 वर्कर्स को एम्प्लॉय के तौर पर इंडियंस रखे गए हैं। जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-13, 12-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं, एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। चाइना से उनकी फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट हो चुकी है और ये अभी शुरुआत हुई है। अभी वहां पे ट्रेड का और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो बैठे सीईओज हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबिल है, अमन बिन मारूफ है। क्यों लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों रशिया, अमेरिका, सऊदीया या दूसरी कंट्रीज जो है वो उसे सपोर्ट कर रही हैं, हमें नहीं कर रही? वो गैर मुस्लिम होने की वजह से उसे सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम अपने अरब कंट्रीज को देखें तो वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, बढ़ चढ़ के ट्रेड। ये भी है। अब सऊदीया जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को बहुत कम कर रहा है, वो तो मुस्लिम कंट्री, उसकी वजह मुस्लिम कंट्री है ना, क्यों कर रही है? ठीक है, तो वो शुरू से ही कर रहे हैं, वो तो आज की बात तो है नहीं है ना। हम लोग इसलिए नहीं कर सकते, हमें आज दिन तक कोई इंसान का बच्चा हुक्मरान मिला ही कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, अभी देखें आप धरनों की वजह से वो सऊदी अरब से वो आना था सलमान ने, वो नहीं आए, ठीक है, ये मामलात तो शुरू से ही रहे हैं। कुछ गिराने वाली कंट्रीज़ हैं हमें, कि वो उनकी कोशिश यही है कि ये आपस में लड़ते रहें, ठीक है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ना हो। आपको लगता है कि जैसे चाइना से आहिस्ता आहिस्ता सारी इंडस्ट्री, सारी जो कंपनीज है वो इंडिया में जा रही है, चाइना को आने वाले टाइम में इंडिया के साथ सुपर पावर देख रहे हैं? नहीं, इंडिया के साथ वो कभी भी नहीं जाएगा। नहीं, इंडिया को सुपर पावर देख रहे हैं? या सुपर पावर तो है ना, पहले से ही है, वो तो आप छोड़ें इस बात। इंटेल एक कंपनी है, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है, बहुत सालों से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, रिसेंट उन्होंने शिफ्ट कर लिया इंडिया में, मतलब चाइना को बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या रीजन है, क्या इस वजूहत से इंडियन इकोनॉमी बूस्ट और चाइना की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो सकती है? अब उसका जो इशू जहाँ तक लगा उस पर तो अमेरिका का सिस्टम हाथ है वो सब में, क्योंकि अमेरिका इधर एशिया साइड पे इंडिया को सपोर्ट करता है, चाइना एक सुपर पावर बन रहा है, तो चिप वाली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उन्होंने चाइना से बंद करवा के इंडिया शिफ्ट करवाई है। वो क्यों अमेरिका इंडिया पे ही ट्रस्ट करके उसको सुपर बनाने के लिए कर इंडिया, बिकॉज अपना के पाकिस्तान के साथ वो जो एशिया में चाइना जो है वो ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा, इंडियंस जो हैं वो अभी इतने ऊपर नहीं गए, तो अमेरिका उनके साथ है क्योंकि पाकिस्तान चाइना दोस्त हैं इस तरह करके और सारा सिस्टम है, तो वो कहते हैं कि इंडिया को हम ऊपर करें ताकि इंडिया के साथ हमारा सिस्टम चल सके। चाइना रिसेशन में, इंडिया रिसेशन में नहीं है, बाकी सारी कंट्रियां ऑलमोस्ट रिसेशन में जा चुकी है। क्या चाइना 30 साल से दुनिया को बेवकूफ बना रहा है? चाइना की इकोनॉमी, चाइना के नंबर्स 30 साल से हाइप्ड अप है। चाइना का अब देखिए दिक्कत क्या है, आपका रियल एस्टेट टॉन्क ऑफ कर चुका है। रियल एस्टेट क्या फकर भाई, रियल एस्टेट इज 30% ऑफ चाइना जीडीपी।
रियल एस्टेट कोई छोटा मोटा रियल एस्टेट नहीं, 2-3% का कोई सेक्टर है कोई बात नहीं, 30% जीडीपी आपका रियल एस्टेट से आता है, वो कॉक ऑफ कर चुका है। 30% मान लीजिए अगर वो हमारे ऑटो होते ना 3 टायर वाले, उसका एक टायर निकाल दो तो चले पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं चल सकता। और जो बाकी हमने आपके शो पे जितनी सारी इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात की वो की, उस पर ड्रॉट है, उस पर पावर नहीं है, उस पर कोयला नहीं, उस पर ये लफड़ा, उस पर ये लफड़ा, जिन 101 कंट्रियों को लोन दे उनमें से 60 कंट्री और करें लोन वापस देंगे नहीं आपकी। चाइना क्या डिफॉल्ट का टाइम बहुत दूर नहीं आपकी, मैं आपके शो पे डिक्लेयर करूँ, इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। चाइना बहुत जल्दी डिफॉल्ट भी करेगा क्योंकि चाइना के पास कुछ बचा है नहीं, जो लोग को बंद किया जीरो कोविड के चक्कर में ताकि विद्रोह न हो सड़कों पे, खून खराबा न हो, इसलिए उनको उन्होंने बंद कर रखा, जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट न हो। कहानी ये है कि चाइना को दरकिनार करने वाला आपका मीडिया, हमारा मीडिया नहीं, आप और हम नहीं, जो आपने सही कहा था, खुद CNN है, CNN आज चाइना को दरकिनार कर रहा, राइट ऑफ कर रहा। और यही यही आप देखिए नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में क्या बोला था, there is a power in Asia which China is by Russia is constantly losing its वर्चस्व, और एक पावर है जो तेजी से उभर के आ रही, तब भी इशारा इंडिया की तरफ था। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो एप्पल अपनी आईफोन बनाने की फैक्ट्री भारत में मूव कर रहा था, और वो अभी इसमें और भी सारा तेज इसलिए हो गया है क्योंकि आपको पता है कि चीन की इकोनॉमी कैसे नीचे जा रही है, और ये चीन की वजह से ही हो रहा है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के चलते जिस इलाके में एक भी कोविड केस होता है उसमें सारे चीज़ें वो बंद कर देता है, और उसमें फैक्ट्री भी शामिल होती है, इसलिए एप्पल को चीन में आईफोन बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और आज ही मैंने खबर सुनी कि चीन ने आईफोन बनाने की फैक्ट्री में लोग नहीं आ रहे थे जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से, इसीलिए चीन ने अपने आर्मी को बोला है कि आप आईफोन के फैक्ट्री में जाके आईफोन बनाए। मतलब कि चीन की अब ये हालत हो गया कि चीन को आईफोन बनाने के लिए भी आर्मी को बुलाना पड़ रहा है। तो इसलिए अब एप्पल ने डिसाइड कर लिया है कि वो भारत में सारे आईफोन बनाने की फैक्ट्री मूव कर देंगे, और इसीलिए भी अब भारत में वो एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगा रहे, जिसकी वजह से 60,000 भारतीयों को नौकरी मिलेगी। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर नहीं है, तो एक गलत बात है। पाकिस्तान में ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में जो भी पैसा लगाता है वो पैसा डूब जाता है। चीन ने भी पाकिस्तान में सीपेक के नाम पे पैसा लगाया, और अब चीन अपना असल पैसा वापस नहीं निकल पा रहा, प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉफिट का कोई नामो निशान नहीं है, लोग अगर पैसा लगाते भी है तो असल ही नहीं निकल पाते, प्रॉफिट तो दूर की बात है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों को एक बंदे पर फोकस ना करके इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। एक बंदे पर उन्होंने फोकस किया तो इसीलिए अब इमरान खान पूरे पाकिस्तान को जलाने की तैयारी कर रहा है। तो पाकिस्तानियों को एक बंदे पर अपना सारा विश्वास ना डाल के इंस्टीट्यूशन बनाने पर जोर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।